अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एंटीक मॉडल बोर्ड बनाएंगे। सही है, तो सबसे पहले मैं लकड़ी के कुछ टुकड़े लेता हूँ और इसको जो है ना एल्फी के ज़रिए चिपका देता हूँ। सही है, अभी जो है ना हम इसे सीधा करेंगे। अच्छा यार, आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, तो इसके बाद इसकी लंबाई थोड़ी सी छोटी है। सही है, तो इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं। तो इसके सामने मैंने ये कुछ और स्टिक लगा दिए। सही है, और इसको भी कुछ इस हिसाब से भी काटते हैं। अच्छा, ये अभी हमारा जो है ना तैयार हो गया। अभी जो है ना इसके किनारों पे मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ। सही है, तो आपने भी कुछ इस तरीके से लगा देने हैं। सही है, फिर इसके बाद ये छोटे छोटे पीस आपने काटने हैं और साइडों पे लगाने हैं। सही है, आगे आप देखते चले, आपको ख़ुद जो है ना समझ आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, इसमें मैंने एक शाफ्ट को कुछ इस तरीके से फिट कर दिए। सही है, ये देखे, ये हर एक साइड पे जो है ना मूव कर रहा है। सही है, तो इसके बाद मैं एक आपके सामने लगाता हूँ तो आप ख़ुद समझ जाएंगे। सही है, और सबसे पहले आपने शाफ्ट लेना है और इसको जो है ना धागे के ज़रिए गिटान देना है। सही है, फिर इसके बाद दूसरा धागा उठाना है और दूसरा गिटान देना है कुछ इस तरीके से। सही है, फिर आपने जो है ना एक धागे को एक साइड पे एल्फी के ज़रिए सही तरह से चिपका देना है, दूसरे को दूसरे साइड पे और तीसरे को तीसरे साइड पे। सही है, तो इसी तरह जो है ना आपका शाफ्ट जो है ना आप किसी तरफ भी इसे जो है ना मोड़ सकते हो आसानी से। अच्छा, इसके बाद मैं प्लास्टिक के शीशे के कुछ टुकड़े लेता हूँ और इनमें सुराख करता हूँ। इसी तरह आपने दो उठाने हैं। सही है, अच्छा, ये मैंने लॉलीपॉप का एक स्टिक इसमें फिट कर दिया है। सही है, ये भी हर तरफ मूव करता है। तो अभी मैं दूसरा आपके सामने बनाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये देखे, मैंने एक लॉलीपॉप का स्टिक लिया है और इसको जो है ना धागे के ज़रिए मैं बांधता हूँ। सही है, और पांच गिटान देता हूँ, आपने भी चार पांच देने हैं। सही है, और इसी तरह एक दूसरा धागा उठाता हूँ और फिर जो है ना पांच गिटान मैंने इसको दे दिए। सही है, तो फिर आपने क्या करना है, जिस पीस में आपने होल किया था उसको उठाना है और एक साइड पे जो है ना दोनों दागों को बांध देना है और दूसरे साइड पे जो है ना दूसरे को आपने जो है ना गिटान दे देना है। सही है, तो ये लॉलीपॉप का जो स्टिक है ये हमारे पास जो है ना बीच में आ जाएगा, तो हम इसको जो है ना हर एक साइड पे मूव कर सकते हैं। ये देखे, मैं थोड़ा सा एल्फी डाल रहा हूँ इसलिए कि ये जो है ना ये गिटान को लेना। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, इसके निचले साइड पे भी एक सुराख करना है ताकि हम इसको जो है ना गियर मोटर के साथ फिक्स कर सकें। सही है, दोनों में आपने कुछ इस तरह सुराख करने हैं। अच्छा, अभी हम जो है ना इसे बेस के साथ फिट करते हैं। सही है, जो लॉलीपॉप का स्टिक आपने लगाया था आपने दोनों शाफ्ट इसमें अच्छी तरह डालने हैं। सही है, और बेस पर आपने इसको मजबूती के साथ चिपका देना है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जो है ना टेस्टिंग करते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है कि नहीं। ये देखे, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। सही है,
इसके बाद मैंने एक सील होल्डर लिया, उसको मैंने चिपका दिए नीचे, सही है। और इस वायर को भी आपने गियर को कनेक्शन, गियर मोटर को कनेक्शन देने हैं। ये मैं नीचे जो है ना थर्मापोल फोम लगा रहा हूँ ताकि ये जो है ना डूबे ना, क्योंकि सील का भी वज़न है और इन मोटर का भी वज़न है, तो ये जो है ना डूबेगा। तो आपने भी इस तरह इस पे जो है ना थर्मापोल लगा देने हैं, सही है। तो इसके बाद मैंने एक और सेल होल्डर इस पे फिट कर दिया, सही है। दोनों को मैं सीरीज में करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना 6 वोल्ट आउटपुट में देगा, सही है। ये मैं 2 वायर लेता हूँ जो हमारे साथ जो है ना रिसीवर में कनेक्ट होंगे। दोनों सेलों को मैंने सीरीज में किया और उसको अब हम जो है ना रिसीवर के साथ फिट करेंगे। ये एक रिसीवर है और मैं इसको इन सप्लाई देता हूँ। ये मैंने इसे इन सप्लाई दी 6 वोल्ट और ये जो है ना एक चैनल के साथ मैंने मोटर को कनेक्ट कर दिए। अच्छा, इसके बाद मैं एक और जो है ना लकड़ी का एक टुकड़ा देता हूँ और जो शाफ्ट हमने लगाए थे इसके साथ इन छोटों टुकड़ों को आपने जो है ना दोनों साइडों पर लगाना है कुछ इस तरीके से। अच्छा यार, आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। Oh shit!